थोड़े बहुत शॉट्स दिए और बैक एंड से भी कवर आ रहा होगा, ज्यादा गोलियां इनके पास बची नहीं है, लेकिन कुछ ही चाहिए होती है यहाँ पर टेक डाउन करने के लिए, क्योंकि बाकी पूरी टीम भी इनके साथ मूव करना शुरू कर चुकी है। नियो की तरफ से आप देखिए आगे की तरफ गए हैं, स्पार भी पीछे की तरफ गए, जिसके कारण दिक्कत यहाँ पर गॉडलाइक किसी गॉड को हो सकती है। इनफैक्ट उनको रीड करना पड़ेगा सही से कहां ग्रेनेड किया जाए, उनके साइड से ग्रेनेड जाएगा लेकिन उनके ऊपर भी आएगा, खुद को सेफ रखने की कोशिश। विल आगे मूव करने की शुरुआत उन्होंने कर दी, एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे प्लेयर के सामने रहेगा, वेपन को स्विच किया है, काफी लोएस्ट पे प्लेयर को यहां पर छोड़ा और अब आगे मूव करना पड़ेगा इस टीम को। प्लेयर्स बच करके जाना चाहते थे लेकिन वो गॉडलाइक है, देखने की उनकी कोशिश है कि एक स्मोक किया जाएगा ताकि अपना विजन ब्लॉक किया जा सके, लेकिन नहीं, एक ग्रेनेड ज्यादा एक अच्छे तरीके से यहां पर प्लेयर्स ने डिसीजन जो है वो लिया है। लेकिन पुष्पा की बात करें तो फिर से उनकी तरफ से शॉट्स आए थे को जाते हुए और इसके बाद इनको सड़क क्रॉस करनी पड़ेगी, समझ नहीं तो स्मोक्स कर सकते थे लेकिन ओपन एरिया में जाते नजर आ रहे हैं, थोड़ा बहुत शॉट्स की तरफ से आते हैं, पुष्पा को यहां पर डैमेज दिया जरूर, पुष्पा शायद वापस से पीक ना करे, वेल पीक किया भी है, बैक टू बैक यहां पर टेकडाउन किए जा रहे हैं, लेकिन 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 गिल के ऊपर प्लेयर आने वाले हैं, काफी ज्यादा एक खराब स्थिति देखने को मिल सकती है, ऐसे में समझना पड़ेगा क्या किया जा सकता है। वेल 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 इट वॉज गिल, डन इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण यहां पर देते हुए गिल नजर आएंगे, एक और प्लेयर को डाउन करने की कोशिश, लिए मूव ऑन करना चाहिए, पुश करना चाहिए, निकलना चाहिए यहां से, सर्कल के अराउंड जाना कितना ज्यादा जरूरी। हालांकि जी गॉड वो अब आगे की तरफ को फिर से चार्जिंग कर रहे हैं, एक और प्लेयर बस यहां पर बचा हुआ, अपना बैक एंगल क्लियर करना चाहते हैं समझ में आता है, बट प्लेस उनके बार स्पार एक बार फिर से डाउन हो चुके, प्लेस उनका डैमेज पड़ता हुआ, नियो फिर से शॉट देने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर से रीलोड पर जाएंगे, डेफिनेटली उनको भी समझ में आ चुका है कि ये फाइट तो जीत करके ही जाना है, काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, काफी ज्यादा सही रहेगा, लेकिन ऐसे में अगर एक प्लेयर को भी खा गया कोई प्लेयर दिक्कत हो सकती है, डेस्परेशन फिनिश की जो बात आती है वो आ जरूर सकती है। हालांकि किसी ना किसी के लिए वो भी उनके एक बहुत बेहतरीन इंस्टा क्लिप देखने को मिल सकती है, सर्कल के अराउंड जोन के बाहर की फाइट देखने को मिल रही है, आगे जा रहे हैं लेफ्ट और राइट दोनों एरिया चेक करने पड़ेंगे, स्पेसिफिकली राइट वाला एरिया क्योंकि प्लेयर वहीं पर रहेगा, इनफैक्ट थोड़े बहुत शॉट्स लिए एंड देयर यू गो, काफी अच्छा फिनिश, तो बहुत सारे फर्क फासले यहां पर इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। अब इन सब चीजों के अराउंड अगर बात करी जाए किस तरीके से प्लेयर्स नो खेलते नजर आएंगे, काफी सारे फर्क बन जाते हैं। स्पार ने एक और प्लेयर को डाउन किया बट खुद की एचपी वेल पर्सेड, मुझे गाड़ी ना होना है वो काफी ज्यादा खराब चीज होगी, लेकिन फिनिश तो रहेंगे, फिनिश तो रहेंगे एंड फिनिश आता हुआ किल के हिस्से में, आप देखिए कितने प्यारे तरीके से हेड यहां पर कनेक्ट करते ये प्लेयर नजर आए थे, सर्कल के अराउंड फिर से अच्छे खासे एरिया के अंदर आया, लेकिन अब तो ये कहीं पर भी घुस करके फाइट ले सकते हैं। सर्कल के अंदर की गॉड लाइक सबसे डेडली रहती है क्योंकि वो कहीं भी पुश करती है और कहीं भी तबाही मचाती है, फाइट लेना शुरू करती है और सीधा फाइनल सर्कल में ये देखने को मिलती है, प्लेस को स्पॉट किया जा रहा है, स्प्रेस देखिए कितने प्रिसाइज, कितने अच्छे, कितने एक्यूरेट, बहुत अच्छा डैमेज यहां पर प्लेयर्स ने दिया है। हालांकि हर कोई अलग अलग जगह पर देख रहा है, उसके कारण दिक्कत है, उसके एक गोली और लगने की यहां पर दरकार रहेगी, जीगॉड की तरफ से दो गोलियां बची, रीलोड पर जाएंगे और वापस दूसरे एंगल पर प्लेयर्स को देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके काफी करीब प्लेयर्स आ चुके हैं, इनफैक्ट टेक डाउन किया जाएगा, काफी सही डिसीजन यहां पर लेते हुए जीगॉड एक फाइट को छोड़ा है ताकि दूसरे वाली फाइट को देख सकते, अपने टीममेट को जो हेल्प है वो करने की यहां पर काफी अच्छी कोशिश थी, असिस्टिव कोशिश यहां पर देखने को मिली, लेकिन एक ग्रेनेड एक थ्रोएबल किया गया, जीगॉड पीछे की तरफ उतरेंगे, एक प्लेयर दिखेगा जरूर, ड्रॉप शॉट लिया है, खुद की एचपी लो हुई है, एक यहां पर स्विच करेंगे, साथ के साथ वो बैकअप आ चुका है, स्पार को बचाने भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, पता चल चुका है कि जो प्लेयर अंदर शैक के अंदर रहने वाला, इनफैक्ट उसको फिनिश भी करेंगे। अब आता है टीममेट को बचाना, कितनी जल्दी ये लोग रिवाइवल है जो वो दे सकते हैं, विद ग्रेनेड्स थ्रोएबल्स हर एक चीज करी जा रही है, लूट भी यहां पर करेंगे, हीलिंग चाहिए थी, हील बदलने की कोशिश हो सकती थी, वहीं पर आप नियो को देखें तो बैक एंड पर यहां पर प्लेयर्स को टेक डाउन करने की कोशिश कर जरूर रहे हैं। हालांकि नियो की बात करें, एक को तो डाउन किया है, दूसरे के ऊपर भी यहां पर गोलियां चलाई गई थी, बट फिर से खुद को सेफ एंगल सेफ साइड पर रखने की इनकी कोशिश है, धीरे धीरे प्लेयर्स आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं, नियो इज रेडी, नियो इज रेडी, कोई भी आ रहा है इनकी तरफ को उसकी गाड़ी की ब्रेक ही लगने वाली है क्योंकि नियो के स्प्रेस हर किसी को पता है काबिले तारीफ रहते हैं, बाकी बचा कुचा काम गिल करते भी नजर आ रहे हैं इस पूरी लॉबी में, ये प्लेयर्स काबिले तारीफ लाजवाब बेहतरीन तरीके से खेलते हुए दिखाई देंगे। नियो सही समय पर खुद के कवर में गए, लेकिन उनको यह समझना है कि अगर वहां से थ्रोएबल आया उनके लिए दिक्कतें हो सकती हैं, साइड पर एक स्मोक करेंगे, उसके बाद डेफिनेटली थोड़े बहुत स्प्रेस लेने की कोशिश हो सकती है, बट देन उनको पता चल चुका है कि कोई ना कोई तो शायद थ्रोएबल यहां पर रन निकाल रहा हो सकता है, तो जगह नॉक हो सकता था, इनफैक्ट वो जो फिनिश था वो यहां पर मिल चुका है गॉडलाइक के ही प्लेयर्स को, काफी अच्छे तरीके से 17 टोटल फिनिशेस ये प्लेयर्स निकाल चुके हैं, M4 का इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से किया जा सकता है, इनफैक्ट एक प्लेयर को डाउन करेंगे काफी ज्यादा बेहतरीन, और अब जो दूसरा प्लेयर है उसका एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन क्या इनको है क्या नहीं, बहुत बड़ा सवाल, जोन के साथ साथ जा रहे हैं, ऐसे में वो प्लेयर को भी पहले सर्कल के बाहर लाइक जो सर्कल के अराउंड है उसको स्मोक के बाहर यहां पर आना पड़ सकता है, काफी ज्यादा सब यहां पर दिक्कतें हो सकती है। आखिरी 39 गोलियां इस प्लेयर के पास बची है जीगॉड के पास, लेकिन मैटर नहीं करेगा, बिल्कुल सामने इनके प्लेयर देखने को मिलने वाले हैं, उनको टेक डाउन करेंगे, उनकी क्रेट से लूटेंगे, एकेएम की आखिरी 39 गोलियां बची थी इनके पास, हालांकि शायद अब रीलोड हो जाएंगी, जी बिल्कुल से वो जो एंट्री पॉइंट है वो बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इनके लिए रहने वाली नहीं है, सो काफी ज्यादा इजीली ये लोग यू नो वो वेंटेज पॉइंट बना बना कि शॉट्स जो टैप टैप था वो टैप कितना ज्यादा एक्यूरेट, एक गोली और लगेगी गिल की, लेकिन क्या ये फिनिश किसी और के नाम जाएगा क्योंकि वहीं पर गाड़ी आकर के रुकी है, इंपैक्ट प्लेयर्स को टेक डाउन किया, लेकिन उस मूवमेंट से पहले आप देखें नियो फिर से एरिया से स्पॉट करने की यहां पर प्लेयर्स को स्पॉट करने की तरफ से कोशिश है, थोड़े बहुत काफी ज्यादा यहां पर फर्क बना जरूर सकता है, बनाएगा भी,
कनेक्शन बनाएगा। इनफैक्ट एक प्लेयर को टेकडाउन किया जाएगा। अब आगे और ग्रेनेड्स एक एक करके किए जा रहे हैं। हालांकि नियो भी ग्रेनेड नेड परेड गॉड लाइक इज गोइंग विद द फायर पावर दैट दे हैव इन वन द मोस्ट ब्रिलियंट वेज। धीरे 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 ये जो ग्रेनेड्स है ये ओपोनेंट्स के ऊपर यहां पर गूंजते हुए उनके कानों में नजर आने वाले, परसते हुए ये प्लेयर्स दिखाई देने वाले हैं। अब तो इनको शायद वेपन्स की जरूरत ही ना पड़े क्योंकि ग्रेनेड्स ने जो आगमन किया है वो अंत भी यहां पर करना चाहेंगे। गाड़ी लेकर के आगे गए हैं बट खैर वेपन्स की जरूरत तो पड़ने वाली, लेकिन स्पार को डाउन किया जा चुका है। ये थोड़ी सी खराब स्थिति यहां पर बन सकती है। किस थॉट्स ली जा रहे हैं? प्रिकॉशनरी शॉट्स यहां पर देखने को मिलने जरूर वाले हैं, लेकिन इसके बाद की बात यह बनती है कि आप देखिए किस तरीके से प्लेयर्स को टेकडाउन किया जा सकता है। वेल दे आर डूइंग इट, दे आर डेफिनेटली डूइंग इट। फिनिशेस का नंबर एक एक करके बढ़ाते ये लोग नजर आ रहे हैं। एंड वेल दिस इज हाउ इट वॉज टू बी डन। दिस टीम इज ऑन अ होल न्यू लेवल। अब जाकर के बचती हैं तीन टीमें। गॉडलाइक के एक प्लेयर को इन्होंने खो दिया है, लेकिन जो जज्बा है वो अभी तक नहीं खोया। खेल रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं और इस पूरी फाइट में एक ही नाम, इस सर्कल में एक ही नाम गूंजता नजर आ रहा है, टीम गॉडलाइक। लेकिन कितनी देर तक, क्योंकि आप देखिए आगे जा रहे हैं। इंपैक्ट एक प्लेयर को शायद खेलने स्पॉट किया था, जी नहीं अभी के लिए नहीं। और यही खराब स्थिति बन सकती है क्योंकि आप देखिए बिल्कुल साइड लाइन से प्लेयर को टेकडाउन किया जा रहा है। थोड़ी सी मुश्किलें जरूर बनती है। स्थिति गेल रीलोड करेंगे फिर से आगे जाने की उनकी कोशिश, बिल्कुल सामने दो प्लेयर जाने वाले, शायद यहीं पर बहुत सारी मुश्किलें बन सकती है। इंपैक्ट एक प्लेयर को टेकडाउन करेंगे जरूर, बट दूसरा प्लेयर कहां पर रहेगा, क्या उसका इंफॉर्मेशन है इस प्लेयर को? बड़ा सवाल। आखिरी प्लेयर बचे हुए, गेल इज लास्ट मैन सर्वाइविंग, लास्ट मैन स्टैंडिंग, ही कैन मे बी चेंज द गेम, ही कैन मे बी चेंज द पेस। अभी भी वो बैक एंड वाला प्लेयर इन्होंने नहीं देखा, ऐसे में मुश्किलें बहुत ज्यादा बन सकती है। इनका जो वेस्ट है पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, हेलमेट यहां पर जरूर देखने को मिल जाएगा। थ्रोएबल उस प्लेयर के ऊपर आ रहे हैं, गेल के ऊपर खुद को सर्वाइव कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन यहां पर इस प्लेयर के लिए बन जाती है। गेल इज स्टिल सर्वाइविंग, वो लेफ्ट हैंड साइड वाला प्लेयर चीजें लेफ्ट राइट कर सकता है, बिल्कुल सामने प्लेयर रहेंगे। वन वर्सेस फोर की ये सिचुएशन बन चुकी है। सामने वाले प्लेयर्स के बारे में तो गेल को पता है, लेकिन अगर उठे तो पीछे वाला प्लेयर भी दिक्कतें देगा, काफी ज्यादा दिक्कतें दे सकता है। बैक एंड का प्लेयर वहां पर देखने को मिल जाएगा, इनफैक्ट गेल उसको पहले पिकअप करेंगे। काफी बढ़िया डिसीजनिंग। एंड नाउ इट्स अ 1v4 गेल। ओह माय गॉड, ही ऑलमोस्ट हैड इट।